ईरान ने कहा है कि परमाणु समझौते का नतीजा वैश्विक शक्तियों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है। ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने के उद्देश्य से चल रही बातचीत उतार चढ़ाव के बीच समय सीमा से आगे बढ़ गई और तेहरान ने इस बात पर जोर दिया कि वह ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेगा जिसमें उसकी महत्वपूर्ण मांगे पूरी नहीं हो। तुर्की की पुलिस ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर दो हमलावरों को मार गिराया। पुलिस और हमलावरों के बीच हुए मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि दो पुलिस वाले घायल हो गए। एक अधिकारी ने हमले और पुलिस मुख्यालय के बाहर गोलियों की आवाज सुनने की बात कबूल की है लेकिन इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि इस संबंध में आधिकारिक बयान बाद में जारी किया जाएगा। अमेरिका में न्यू जर्सी डेमोक्रेट सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया गया है। डेमोक्रेट सीनेटर पर अपने दोस्तों से मुफ्त उपहार लेने का आरोप है। 61 वर्षीय मेनेंडेज सीनेट की विदेश नीति, बैंकिंग और वित्तीय समितियों के सदस्य हैं। मेनेंडेज ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के निकट बिजली आपूर्ति बाधित होने से लगी भीषण आग के कारण चारों ओर जहरीला धुआं फैल गया जिस वजह से आसपास की इमारतों से 2000 से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया। इस स्थान के निकट भारतीय उच्चायोग की इमारत इंडिया हाउस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी है। इलाके में बिजली की आपूर्ति बाधित होने के बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को फायर अलार्म के जरिए आग के बारे में जानकारी मिली। जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल ने कहा है कि यूक्रेन मिन्स समझौते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जबकि अभी भी संघर्ष विराम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जर्मनी और फ्रांस इस पर नजर बनाए हुए हैं और इस विषय पर बाद में बात करेंगे।